गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का स्नैपशॉट का दूसरा चैप्टर है द एड्रेस। आज हम लोग इस चैप्टर की हिंदी समरी देखेंगे, मींस प्यारे बच्चे इस चैप्टर की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 20 से 22 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले, तब तक आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके केवल हमारी बाती पर ध्यान देंगे। और अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 2 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, स्नैपशॉट में आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आज आपके दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 out of 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही है आप हर क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती है। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार जी पूरा प्रोसेस पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। अब यार इस चैप्टर का नाम क्या है, दी एड्रेस है। एड्रेस मींस होता है पता, मींस इस चैप्टर में किसी पति के बारे में बात किया गया है। अब वो पता कौन सा है, किसके पति के बारे में बात किया गया है, आपको चैप्टर की समरी की तरफ लेकर के चलते हैं, तो आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा किस पति के बारे में इस चैप्टर में बात किया गया है। इस चैप्टर को लिखा किसने है, मार्गा मिंको ने लिखा हुआ है। और मार्गा मिंको कहां की रहने वाली होती है, हॉलैंड की निवासी होती है। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मींस होता है आत्मकथा। आत्मकथा मींस होता है अपने बारे में स्वयं लिखना, वही क्या कहलाती है, आत्मकथा कहलाता है। मींस मार्गा मिंको उनकी इस जीवन के बारे में है, जिस किस तरह से उनके जीवन में परिस्थितियां क्या हुई थी वो उसी के बारे में ये है मार्गा मिंको के। अब यार होता क्या है, हमने आपको बताया मार्गा मिंको मिंको कहां की रहने वाली होती है, हॉलैंड की निवासी होती है। और उस ये जो है सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसकी पहले की कहानी है। मींस द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की कहानी है, मींस उसके पहले की घटनाएं हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 39 से लेकर के 45 तक हुआ था, मींस 1939 से लेकर के 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार आपका हुआ था। अब होता क्या है कि जर्मनी का उस समय शासक हुआ करता था हिटलर, और हिटलर एकदम तानाशाह था आपको पता है। और हिटलर ने हॉलैंड पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। हॉलैंड पे कब्जा करने के बाद जो वहां के यहूदी लोग थे, हॉलैंड के जो यहूदी लोग थे, सभी को उसने भेज दिया था कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया था। आपको हमने कभी इसके पहले भी बताए होंगे कंसंट्रेशन कैंप में क्या होता था। कंसंट्रेशन कैंप में प्याचे जो है हिटलर यहूदियों से नफरत करता था, यहूदियों को वहां पर भेजता था। और वहां पर जाने के बाद मींस 90% लोगों की डेथ हो जाती थी, कोई बचता नहीं था। और यही एक ऐसा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक था, हमने उसमें भी आपको यही कहानी बताया था कि जो है हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप में जो है एन फ्रैंक के परिवार के लोगों को भेज दिया हुआ था, आपको याद होगा। तो क्लास 10th में भी आपका ये चैप्टर ऐसा ही कहानी आपको बताए थे कंसंट्रेशन कैंप के बारे में, उसमें आपको बताए थे। तो जो है इनके परिवार को, मींस मार्गा मिंको की परिवार को कहां भेज देता है, कंसंट्रेशन कैंप में भेज देता है। और कंसंट्रेशन कैंप में बाद में जो है इनके परिवार के सभी लोग की डेथ हो जाती है। मींस 1945 में जब युद्ध समाप्त हो गया, हिटलर की उसी समय डेथ हो गई थी, तो जब सभी लोगों को वहां पर कंसंट्रेशन कैंप से निकाला गया, तो यहां पर इनके सभी परिवार, मींस मार्गा मिंको के सभी परिवार के लोगों की डेथ हो गई थी, केवल बची थी मार्गा मिंको बची हुई थी। अब इसमें जो है कहानी आगे थोड़ा सा बढ़ती है, अब इसमें कहानी थोड़ा सा लिंक होती है कि जब मार्गा मिंको का परिवार जो है कहां पर जाने वाला था, कंसंट्रेशन कैंप में जाने वाला था।
तब इनकी मां मिस मार्गा मिंको की जो मां थी जिसे यहां पर मिसेस यस कहा हुआ है, मिसेस यस ने अपने घर की जो वैल्यूएबल थिंग्स थी, मिस जो बहुमूल्य चीजें थी, वह अपनी एक दोस्त जिनका नाम था मिसेस डोलिंग को अपने सारे सामान को क्या कर देती हैं, दे देती हैं। जितना भी उनके घर में बहुमूल्य चीजें थी सारी चीजों को मिसेस डोलिंग को दे देती हैं और इस शर्त पे देती हैं कि अगर मेरे परिवार में कोई भी कंसंट्रेशन कैंप से बचेगा तो वो परिवार का वो सदस्य आकर के आपसे सामान को ले लेगा। इस शर्त पे जो है अपने सारे सामान को दे देती हैं। अब जब कंसंट्रेशन कैंप से इनकी बेटी मिस मार्गा मिंको वापस आती हैं, मिस यही सिंगल जिंदा बच करके जब कंसंट्रेशन कैंप से आती हैं, तो वह मिसेस डोलिंग के घर पर जाती हैं। अब यहीं से आपके चैप्टर की शुरुआत होती है। मिसेस डोलिंग के घर पे जाती हैं और जब घर पे जाती हैं तो दरवाजा खटखटाती हैं मिसेस डोलिंग की, तो मिसेस डोलिंग दरवाजा खोलती हैं तो जो है ये बताती हैं कि मींस जो है कहती हैं कि क्या आप हमें पहचान रही हैं, मींस ए मार्गा मिंको कहती हैं कि क्या आप मुझे पहचान रही हैं, तो वो कहती नहीं मैं आपको नहीं जानती हूं क्योंकि बहुत दिन बाद हो गया था तो हो सकता हो न पहचान रही हो, तो इसलिए जो है वह सीधे मिसेस डोलिंग ने कह दिया कि नहीं मैं आपको नहीं जानती हूं। तब उन्होंने बताया, मिस मार्गा मिंको ने बताया कि मैं मिसेस यस की बेटी हूं, मींस तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं मिसेस यस की बेटी हूं। जब इस बात को उसने कहा कि मैं मिसेस यस की बेटी हूं तो वहीं पर एकदम खड़ी हो गई। जितना दरवाजा खुला हुआ था मिसेस डोलिंग का उतना ही दरवाजा खुला रहा, बाकी दरवाजा पूरा खोली नहीं, मींस एकदम वहीं पर खड़ी हो गई, कोई जवाब नहीं दी। अब जो है ये जो मार्गा मिंको थी उनके कपड़े को देखी, मींस उनके स्वेटर को देखी कि वे एक ग्रीन कलर का स्वेटर पहनी हुई थी, मींस जो है मिसेस डोलिंग ग्रीन कलर का मींस हरे रंग का एक स्वेटर पहनी हुई थी जिसे कार्डिगन बोलते हैं, कार्डिगन को पहनी हुई थी। अब कार्डिगन को देख करके ये मार्गा मिंको पहचान गई कि ये तो मेरे मां वाला स्वेटर है, मींस यही तो मेरी मां ने इन्हें स्वेटर दिया हुआ था, तो पहचान गई कि नहीं मैं गलत एड्रेस पे नहीं आई हूं, मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हूं, जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए था मैं बिल्कुल पहुंची हुई हूं। तो ये कहती है कि क्या आप हमारी मां को जानती हैं, मार्गा मिंको उनसे पूछती हैं कि जब कुछ देर तक नहीं बोलती हैं तो मार्गा मिंको पूछती हैं क्या आप हमारी मां को जानती हैं, तो जो है वो जो मिसेस डोलिंग रहती हैं वो जो है कहती हैं कि क्या तुम वापस आ गई, मींस हमने तो उम्मीद किया था कि कोई वापस नहीं बच के आएगा, मींस कंसंट्रेशन कैंप से कोई वापस बच करके तो नहीं आया था आएगा, हमने ऐसा जो है सोचा हुआ था, क्या तुम बच करके आ गई। तो जो है ये मार्गा मिंको जो होती है कहती है कि मेरे परिवार के सभी लोग मर गए, केवल मैं ही बच करके वापस आई हुई हूं। तो इस बात को जब कहती है तो भाई वो तो गई थी अपना सामान लेने के लिए, गई हुई थी मार्गा मिंको की जो मेरी मां ने सामान दिया हुआ था उससे सामान को ले लेते हैं। तो ये कहती है कि ठीक है जो है अभी तुम जा सकती हो, अभी मेरे पास समय नहीं है, बाद में आना, बाद में मैं तुमसे बात करूंगी। ये बात कौन कहता है, मिसेस डोलिंग कहती है। मिसेस डोलिंग इस प्रकार से मतलब जो है सामान भी जो है इसी बच्ची का रहता है, मीन्स जो है मार्गा मिंको का ही सामान होता है, लेकिन सीधे मना कर देती हैं कि अभी मेरे पास समय नहीं, बाद में आना, बाद में तुमसे बात करेंगे। तो एक कहती हैं कि मार्गा मिंको कहती हैं कि मैं बहुत दूर से आई हुई हूँ, मैं ट्रेन से बहुत दूर से आई हूँ, मैं कुछ समय के लिए आपसे केवल बात करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास अभी उपयुक्त समय नहीं है तुमसे बात करने के लिए, बाद में आना, बाद में मैं तुमसे क्या करूंगी, बात करूंगी। मतलब देखो कितना जमाना खराब है, मतलब लोग इस प्रकार से भी होते हैं कि मैं इस दूसरे के सामान को भी मना कर दे रहे हैं, मीन देने से सीधे कर रहे हैं मेरे पास समय नहीं है। अब जो है मार्गा मिंको क्या कर सकती थी, मार्गा मिंको वहां से निकली और निकलने के बाद स्टेशन की तरफ चलने लगी कि भैया जो है अब तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं, ये तो सीधे जो है मेहरुआ जो औरतिया जो है मिसेस डोलिंग सीधे तो मना करती हुई है, अब भैया हम क्या कर सकते हैं, स्टेशन की तरफ चल करके अपने घर पे जाएंगे, अपने रूम पे जाएंगे, ऐसा वो सोचती है। तो उसके बाद जब ये जा रही होती है तो याद करती है अपनी पुराने दिनों को याद करती है, मीन्स पुराने दिनों को याद करती हैं कि किस तरह से जब मैं घर पे वापस आई हुई थी, मीन्स जो हो सकता मार्गा मिंको कहीं गई हुई हूँ बाहर, और बाहर जो है कुछ दिनों के लिए गई हुई हूँ, और जब वे घर पर वापस आई तो देखी कि इनके कमरे से सारे सामान गायब हो रहे थे। मीन्स मार्गा मिंको अब याद करती हैं पुरानी मेमोरीज को, याद करती हैं पुरानी यादों को, याद करती हैं कि किस तरह से इनके घर में जो सामान थे सभी सामान गायब हो रहे थे। अब जब गायब हो रहे थे तो इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ जो है घर में जो सामान थे, वैल्यूएबल जो थिंग्स थी, जो बहुमूल्य सामान थे, प्राचीन वस्तुएं जो थी, वो गायब कहाँ हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं। तो इनकी माँ ने तब जो है पहली बार बताया था मिसेस डोलिंग के बारे में।
कही हुई थी कि मिसेस डॉली एक मेरी दोस्त है और ये आकर के सारे सामान को, हमारे सभी सामान को लेकर के जा रही है, क्योंकि हमारे परिवार को कभी भी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता है, तो इसलिए मिसेस डॉलिंग आकर के सभी सामान को ले जा रही है ताकि जो है ये सारी सामान सुरक्षित रह सके, क्योंकि जब सभी परिवार के लोगों को भेज दिया जाएगा तो सारे सामान कोई भी चुरा ले जा सकता था, तो इसलिए कहती है कि कोई जो है ताकि सारे सामान को बचाया जा सके। तो उन्हें डाउट हो जाता है, मींस मार्गा मिंगको को तभी डाउट हो जाता है कि मींस ये जो है स्त्री काहे को जो है इतना सारे सामान को लेकर के जाती है, मींस सारे सामान को क्यों लेकर के जा रही है, मींस उसका इसमें क्या फायदा है। मींस जब उसे डाउट हो जाता है तो इनकी माँ ने थोड़ा सा जो है रौबदार ढंग से उनकी तरफ देखा, तो फिर उसके बाद से मार्गा मिंगको ने इसके बारे में कभी चर्चा नहीं किया अपनी माँ से। और इनकी माँ कहती थी कि देखो कितनी अच्छी लेडी है कि सारे सामान को अपनी पीठ पर लेके जाती हैं, और जब पीठ पे लेके जा रही है मींस उनकी कमर पे भी दिक्कत आ सकती है, मींस सिंपैथी दिखाती है इनकी माँ, मींस जो सामान लेके मिसेस डॉलिंग जा रही थी इस पे जो सिंपैथी दिखाती है मींस इनकी माँ जो है मार्गा मिंगको की माँ, तो इस तरह से जो है ये चीजें होती हैं। तो इसके बाद जो है अपनी माँ से इसके बारे में बात उन्होंने नहीं किया, मार्गा मिंगको ने इसके बारे में कभी बात नहीं किया, और यही सारी चीजें सोचते सोचते वे कहां पर पहुंच जाती हैं, स्टेशन पे पहुंच जाती हैं, और स्टेशन पे पहुंचती हैं तो बाकी अन्य सारी चीजों के बारे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, जो भी चीजें उनके आसपास थी किसी भी चीजों के बारे में ध्यान ही नहीं दिया था कि जो रास्ते में पड़ रहे थे, क्योंकि वो सारी चीजें उनकी पिछली यादों से जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में नहीं भेजा गया था, इनकी माँ के साथ ही अपनी माँ के साथ सभी जगह गई हुई थी, तो इसलिए अपनी माँ के साथ गई हुई थी तो इसलिए उन पिछली यादों से जुड़ना नहीं चाहती थी, तो इसलिए किसी भी चीज पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब जब स्टेशन पे पहुंच गई, स्टेशन पे पहुंचने के बाद ट्रेन में बैठने के बाद फिर इनके दिमाग में याद आती है कि किस तरह से जो है इस मिसेस डॉलिंग से पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी, तब कहती हैं कि एक दिन हम सुबह 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 ही उठ करके मींस उठे हुए थे, सुबह सुबह उठे हुए थे, और जिस जैसे मैंने उठा तो हमने देखा कि जो है मिसेस डॉलिंग हमारे घर से कुछ सामान को लेकर के जा रही है, मींस कुछ थैले सूटकेस भर करके अपनी पीठ पर लेकर के जा रही है। तब जो है पहली बार जो है मेरी माँ ने इनसे मेरा परिचय कराया हुआ था, मींस मेरी माँ ने तब बताया था कि मींस मिसेस डॉलिंग से बताया था कि ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी है, मींस इनका परिचय कराई हुई थी, तो हाय हेलो पहली बार मेरा इस तरह से मिसेस डॉलिंग से हुआ था। तो वो चीज जो है वहां पर याद करती हैं कि जो है किस तरह से मेरी जो है मिसेस डॉलिंग से पहली बार मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो है मेरी माँ उस समय कहती हैं कि एक जो है एक मार्कोनी स्ट्रीट, मीन सड़क का नाम बताती हैं, मार्कोनी स्ट्रीट और मकान संख्या 46 है, ये जो है मकान संख्या मीन्स नंबर 46 यही एड्रेस के बारे में बात किया गया है, जो आपका चैप्टर का नाम है द एड्रेस, इसी एड्रेस के बारे में बात किया गया है, मार्कोनी स्ट्रीट मकान संख्या मीन्स हाउस नंबर 46 है। माँ मेरी कहती है कि इस नंबर को याद रखना, मिस याद रखना जब हम लोग कंसंट्रेशन कैंप से आ जाएंगे तो जो है याद रखना इस नंबर को, ताकि जो है अपने सामान को, बहुमूल्य सामान को जाकर के वहां से ले सकती हो। मिस ये एड्रेस किसका था कि मार्कोनी स्ट्रीट मकान संख्या मिस हाउस नंबर 46 से ये एड्रेस किसका था, मिसेस डॉलिंग का था, डार्लिंग नहीं है, तुम लोग गलत मत समझना, डार्लिंग नहीं है, डॉलिंग है, मिसेस डॉलिंग का एड्रेस था, तो इसलिए जो है इनकी माँ ने जो है इस एड्रेस को बता दिया हुआ था, मिस जो मिसेस डॉलिंग का एड्रेस था कि इस एड्रेस को याद रखना, बाद में जो है जाकर के सामान को ले लेना। अब जो होता क्या है, बाद में क्या होता है कि मींस जो है इस एड्रेस पे जब इन लिबरेशन मींस जब आजादी हो गई थी, जब इन सभी को मींस सभी कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आ गए थे, ये भी जो है जो इसकी नैरेटर है मार्गा मिंगको भी वापस आ गई थी, तो कहती हैं कि मैं बहुत दिनों तक जो है वहां पर इस एड्रेस पे नहीं गई, ये जो मेरी माँ ने एड्रेस दिया हुआ था इस एड्रेस पे मैं बहुत दिनों तक नहीं गई, और क्यों नहीं गई, क्योंकि ये सारी चीजें हमें अगर जाती उस एड्रेस पे सामान लेने के लिए तो सारे सामान से मेरी पिछली यादें जुड़ी हुई थी, अब पिछली यादें जुड़ी हुई थी मींस माँ के साथ की यादें जुड़ी हुई थी, अब माँ के साथ की यादें जुड़ी हुई है जाहिर सी बात है, जिस चीज से आपके माँ के मींस जिस चीज से मतलब आपके जो अपने लोग रहे अगर उन लोगों की यादें जुड़ी हुई हो है तो आप उससे जल्दी सामना नहीं करना चाहोगे, सामना क्यों नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको पुनः उनकी यादें आ जाएंगी, तो इसलिए कई दिनों तक इस एड्रेस पे नहीं जानती है जाती है मींस कंसंट्रेशन कैंप से आने के बाद भी कई दिनों तक इस एड्रेस पे नहीं जानती जाती है मार्गा मिंगको। फिर एक दिन के मन में ख्याल आता है कि चलते हैं पुरानी चीजों को लेकर के आते हैं मिसेस डॉलिंग के घर पे चलते हैं, जो मेरी माँ ने जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पे चलते हैं, पुरानी चीजों को देखते हैं कि अपनी माँ के साथ की जो यादें हैं उन सारी चीजों को देखते हैं।
अब ये तभी जो है पहली बार गई हुई थी, यही सारी चीजें सोच करके पहली बार गई हुई थी, और पहली बार का जो है इनका जाना किस तरह से खराब हो गया था हमने आपको पहले ही बता दिए हुए हैं। अब ये सेकंड टाइम कोशिश करती है, सोचती है चलो ठीक है अब दूसरी बार, मीन्स ये घर पे पहुंच जाती है, और घर पे पहुंचने के बाद कुछ दिन बाद जो है फिर सोचते हैं चलो जो है दूसरी बार ट्राई करते हैं। पहली बार तो मान लो जो है मिसेस डॉर्लिंग ने सीधे मना कर दिया हुआ था, चलो दूसरी बार ट्राई करते देखते हैं अब दूसरी बार होता क्या है। अब दूसरी बार मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती हैं, अब जब मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती हैं तो वहां पर जो है दरवाजा खोलती है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, 15 वर्ष की बेटी जो है दरवाजा को खोलती है, और मिसेस डॉर्लिंग उस समय घर पर नहीं होती हैं। और जब घर पे नहीं होती हैं और मिसेस डॉर्लिंग ने अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बताया था कि अवेलेबल थिंग्स किसकी हैं किसकी नहीं है, उन्होंने बताया था कि ये सारी चीजें अपनी हैं, मिस अपनी बेटी से उन्होंने बताया था कि ये सारी चीजें अपनी हैं, किसी दूसरे की नहीं है, मिस किसी मिसेस यस की नहीं है या फिर मार्गा मिंको की नहीं है, ये स्वयं की चीजें उनकी हैं। तो इसी से जो है मिसेस डॉर्लिंग ने अपनी बेटी को बताया हुआ था। तो जब इनकी बेटी ने दरवाजा खोला तो जो है मार्गा मिंको अंदर गई, मार्गा मिंको जब अंदर गई तो जाने के बाद जो है अब ये कहती है मिस, ये जो 15 वर्ष की मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है ये कहती है कि माँ तो इस समय घर में नहीं है, माँ तो घर में नहीं है, तो आप जो है अगर आपको वेट करना हो तो वेट करो, नहीं तो आप जा सकती हैं। तो जो है तब ये कहती है कि नहीं नहीं आज तो मैं जो है उनसे मिलके ही जाऊंगी, कहती है कि मैं वेट करूंगी, मैं उनका इंतजार करूंगी। और उसके बाद जो है गलियारे से होती हुई कमरे में आती हैं, और गलियारे में जो सारे सामान होती हैं, पहले तो वे कैंडल होल्डर देखती है, मीन्स कैंडल स्टिक, जहां पर जो है वे अगरबत्ती या मोमबत्ती को जो जिसमें फंसा करके रखने वाला होता है कैंडल स्टिक, उसे बोलते हैं कैंडल होल्डर बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं समाधान, समाधान जो उनका था उसे देखती हैं, कहती हैं ये तो मेरी सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है वह सेकंड चीज देती हैं टेबल क्लॉथ, जो वहां पर टेबल क्लॉथ है उसे देखती हैं, कहती हैं टेबल क्लॉथ में देखो पीछे एक जो है जला हुआ निशान था जिसे कभी मरम्मत रिपेयर नहीं किया जा सकता था, उसे देख करके उन्हें पहचान जाती है कि ये तो हमारा ही था, कि टेबल क्लॉथ जो है ये भी हमारा था। उसके बाद जो है ये सारी चीजें देखती हैं, देखने के बाद जो है जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी 15 वर्ष की बेटी होती है वो कहती है कि मैंने अपनी माँ के लिए चाय बना दिया हुआ है, क्योंकि मेरी माँ आने ही वाली होंगी, मैंने अपनी माँ के लिए चाय बना दिया हुआ है, क्या आप भी चाय लेना चाहेंगी। मीन्स वो चाय सीधे इनडायरेक्टली चाय पूछ रही है, क्या आप भी चाय लेना चाहेंगी। तो जो है ये मार्गामिंग को कहती है ठीक है बेटा ठीक है लेके आओ चाय, भैया चाय जो है उनकी बिटिया ला रही है तो काहे को मना करेंगी। ठीक है, अब चाय जिस प्लेट में लेके आती है, जिस कप में लेके आती है, जिस प्लेट में लेके आती है, वो प्लेट भी इन्हीं का प्लेट होता है, क्योंकि सारी चीजें जो है मिसेस डॉर्लिंग जो सारी चीजें उनके घर में थी, फर्नीचर के जो सारे सामान थे, सारी चीजें एक इसकी थी मार्गा मिंको की थी, जो इनकी माँ ने इन्हें दिया हुआ था रखने के लिए। तो अब जो है कप प्लेट भी देख लेती हैं कि तो मेरा ही है, सारी चीजें वहां पर देखने के बाद उन्हें लगता है थोड़ा सा सफोकेशन महसूस करती हैं, मीन्स थोड़ा सा अलग जो है महसूस करती हैं, मतलब दम घुटने लगता है, क्योंकि सारी चीजें अव्यवस्थित ढंग से रखी गई थी, मीन्स कोई सजा करके चीजें नहीं रखी गई थी, सारी चीजें अव्यवस्थित ढंग से रखी गई थी। और वहां पर एक प्लेट होता है जिसे दीवार में चिपका करके रखा गया था। अब जो है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बताती है कि ये जो प्लेट है बहुत बड़ा सा प्लेट है, इसमें मैं कभी कभी खाना भी खा लेती हूँ। तो ये चीज भी जो है मिसेस डॉर्लिंग की बेटी बताती है। और फिर उसके बाद जो है सारी चीजें होती हैं, ये मिसेस मार्गा मिंको सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखती हैं, क्योंकि सारी चीजों को बड़ी दिन बाद देखी थी तो सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखती हैं। फिर उन्हें याद आता है कि जो यहाँ पर सिल्वर है, जो स्पून्स हैं, बाकी मीन्स जो सिल्वर के सभी सामान हैं जो है, उन सारी चीजों को देखती हैं और याद करती हैं कि एक बार जो है मेरी माँ ने किस तरह से मुझे कहा हुआ था कि सभी जो है जो सिल्वर के जो सभी सामान है उस पे पॉलिश करने के लिए, मीन्स उसे चमकाने के लिए किस प्रकार से मेरी माँ ने कहा था। उस दिन मैं बोर हो रही थी तो मेरी माँ ने कहा था कि सिल्वर की जितनी जो है चीजें हैं उसको चमका दो, और जब मैंने फिर पहली बार उनसे पूछा था कि हमारे पास सिल्वर की भी कौन कौन सी चीज है, मीन्स उन्हें पता नहीं था कि सिल्वर की भी चीजें हमारे पास हैं। तो उनकी माँ बताती हैं असर के साथ कहती हैं कि जिसमें हम लोग डेली खाना खाते हैं, जो चम्मच है, सारी चीजें सिल्वर की थी। तो सारी चीजें सिल्वर की थी। तब यहाँ पर मिसेस मार्गा मिंको कहती हैं कि पहली बार तब हमें पता चला हुआ था कि मेरे घर में इतनी सारी चीजें सिल्वर की हैं, और वही सारी चीजें अब किसके घर में आ गई हैं, मिसेस डॉर्लिंग के घर में आ गई हैं। तो ये चीजें होती हैं, और उसके बाद जो है इस तरह से सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद जो है एक एक करके जो है जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है सारी चीजों को दिखाने की कोशिश करती है, तभी जो है मार्गा मिंको की याद आती है कि मेरे ट्रेन का समय हो गया है।
मीन्स मार्गा मिंको का अचानक याद आया कि मेरे ट्रेन का समय हो गया है, तो ये उठ करके खड़ी हो जाती हैं, और खड़ी हो जाती हैं तो उस 15 वर्ष की बेटी से कहती हैं कि भैया हम जा रहे हैं, ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो ये बात मार्गा मिंको उस 15 वर्ष की बेटी से कहती हैं। तो बेटी कहती है कि आप माँ से नहीं मिलेंगी, मीन्स माँ तो आने वाली ही होंगी, तो अब मिल करके जाइए। तो ये कहती नहीं नहीं अब नहीं मिलूंगी, क्योंकि जो है मुझे लेट हो रहा है, मेरे ट्रेन का समय हो गया है, और यह कह करके वहां से चली आती हैं। और चले आने के बाद ये दृढ़ निश्चय कर लेती हैं, रिजोल्यूशन कर लेती हैं कि नहीं, दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब हम दोबारा इस एड्रेस पर कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी सामग्रियां हैं, ये केवल दुख देती हैं, दुख देने के सिवा और कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इनकी माँ की यादों से जुड़ी हुई हैं, माँ की यादों से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए जो है इन सारी चीजों को अब वह दोबारा लेने के लिए वापस नहीं आएंगी। ये बात का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, और कहती है कि इस एड्रेस को भुलाना ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे एड्रेस को जो है भुला दिया हुआ है जो मेरे माँ से संबंधित था, क्योंकि माँ की यादें आ जाती थी, तो इसलिए हमने बहुत सारे एड्रेस को भुला दिया हुआ है, तो ये तो छोटा सा एड्रेस है, तो इस एड्रेस को भी मैं भुला दूंगी और दोबारा इस प्लेस पे मैं दोबारा आऊंगी नहीं। ये दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लेती हैं, और कहती हैं कि अब मेरे घर में एक छोटा सा मेरा कमरा, मीन्स एक किराए की कमरा लेकर के रहती थी, कहती कि मेरे घर में अब छोटा सा कमरा है, और उस कमरे में मेरे जो है इतना सामान रखने के लिए स्थान ही नहीं है, जगह भी नहीं है, तो इसलिए कहती कि अब मैं इन सामान को वापस नहीं लेकर के जाऊंगी। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। तो प्यारे आपने कहानी में देखा किस तरह से लोगों की नियत बदल जाती है, मींस मिसेस डॉर्लिंग ने किस प्रकार से उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया था। तो वही चीज कहते हैं ना, किसी का भला करो ना तो लोग जो है उसका फायदा उठाने लगते हैं, तो वही चीज मिसेस डॉर्लिंग ने भी किया हुआ था। तो प्यारे यही बहुत बेहतरीन चैप्टर था और बहुत इमोशनल चैप्टर भी था, क्योंकि जो है मार्गा मिंको की पूरी परिवार के लोगों की डेथ हो जाती है, तो किस तरह से इमोशनल कई बार जो है चैप्टर में हो जाती है मार्गा मिंको, तो ये बहुत प्यारा सा चैप्टर था। उम्मीद करते हैं इसकी समरी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जब इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में बताएंगे तो आपको सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे ये आज की क्लास होगी, अगले क्लास में इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन कराएंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो प्यारे आप कोशिश करना सभी बच्चे पेड क्लास में एडमिशन ले लें, क्योंकि जो है ग्रामर की भी क्लासेस इस बार केवल पेड क्लास के ग्रुप में ही देखने को मिलेगी, और जो है इसमें भी बहुत सारी क्लासेस आपको जो है YouTube पे आपको नहीं दिख रही होंगी, नहीं मिल रही होंगी, वो सारी क्लासेस प्यारे आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएंगी। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं जरूर लेना, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो प्यारे आपको क्लास तो देंगे ही, परेशान मत होना, YouTube पे भी मैक्सिमम क्लासेस देंगे, परेशान मत होना। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, पेमेंट जो रखा गया है अफोर्ड कर सकते हैं, तो जरूर आप जो है पेड क्लास में एडमिशन ले लेना। तो प्यारे अब आपको एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। हम लोग पहले प्यारे बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे पेड क्लास में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट वीक तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, मींस क्लास के तुरंत बाद आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको इस बार रिवीजन सीरीज पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी, और इस पेड क्लास की फीस प्यारे केवल 499 रुपए रखी गई है, और ये पूरे सत्र के लिए है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाता। और प्यारे 499 रुपए का आपको पेड कैसे करने हैं, आपको यहां पर कुछ माध्यम दिए गए हैं, गूगल फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं अगर आप इन माध्यमों का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन
इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको व्हाट्सअप कर देने हैं। व्हाट्सअप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको क्या कर लिया जाएगा, प्यारे कॉल कर लिया जाएगा। बाकी प्यारे अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर 2400 घंटा कॉल कर सकते हैं। मिस आपको ये जो नंबर दिया गया है 7392937172 करके आपको जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप 2400 घंटा कॉल कर सकते हैं। आपकी कॉल 2400 घंटा रिसीव की जाएगी। आप प्यारे 2400 घंटा व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप 2400 घंटा पेमेंट भी कर सकते हैं। मींस किसी भी समय आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे आज की सेशन की समाप्ति यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।